नमस्कार, मैं रेवरेंड डेनिस अमीन सूरत में मुगली सरा स्थित CNI चर्च में मैं पास्टर की भूमिका अदा कर रहा हूं। आज का दिन 20 मार्च 2020 आप सभी के साथ, मेरे सारे प्रिय सूरत वासियों के साथ ये संदेश देना चाहता हूं। इस समय हमारा देश जो विकट समय से गुजर रहा है, आप सबके सहकार का अनुरोध करते हैं। विशेषकर ये मैसेज में सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बिहाफ में आपसे दे रहा हूँ। इस समय में मेरा आप सभी से अनुरोध है, सारे सूरत वासियों से अनुरोध है, इस समय धैर्य का समय है। इतना ही नहीं, हमारे जो प्रशासन है उसको सहयोग करने का समय है। बहुत सारी चर्चाएं और अफवाहें दोनों चीज़ें हैं, और हमें सिर्फ जो अधिकृत तौर पे दिया गया समाचार है उसी ऊपर ध्यान देना है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय धैर्य रखने का समय है, सच्ची मानवता दिखाने का समय है, और ये समय है कि जो प्रशासन कार्य कर रहा है उसके प्रति हम हमारा सहयोग दे। हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इस परिस्थिति से उभर सके, और इसीलिए जो भी बातें हमें बताई जा रही हैं हम सभी को उसका पालन करना है। बिन जरूरी हमें बाहर नहीं जाना है, लोगों के साथ में भीड़ में इकट्ठा नहीं होना है, या किसी भी धार्मिक स्थल हो या बाहर जाहिर जगह में हमें नहीं जाना है। और हाइजीन के बारे में, स्वच्छता के बारे में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना ख्याल रखें। अगर कोई भी आपको दिक्कत लग रही है, परेशानी लग रही है, तो आप पैनिक न हो, डॉक्टर का संपर्क करें। मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि किसी भी अफवाहों को आप न फैलाएं। हम हमारे चर्च में आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे सारे सदस्य अपने घरों में और ऑफिस में जहाँ भी समय मिले सभी को लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं। हमने हमारी वर्शिप सर्विस, आराधना सभाएं वो सब ऑनलाइन की है, इसीलिए हम सब लोगों के साथ बिना मिले जुड़े रह सकते हैं, और हम सूरत के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह, ये जो सच्चा चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो आप सभी को, हम सभी को चंगाई दे, ऐसी मेरी ब्लेसिंग है। धन्यवाद।